तो इसराइल को हमास के हमले से बचा पाने में खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरीके से नाकाम रही। अब पछतावे का आंसू बहाने की जगह वो एक्शन में है। हमास पर हमले बढ़ाने और अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोसाद ने हमास के संपूर्ण विनाश के ऑपरेशन को नाम दिया है प्लान 5। देखिए रिपोर्ट। हमास के आतंकवादियों ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है उसमें सिर्फ सैनिक नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समस्या ये है कि एक तरफ तो हमास को नेस्तोनाबूद करने तक इजरायल ने हमले करने का शपथ लिया है और दूसरी ओर समस्या ये है कि इजरायल के जिन लोगों को हमास ने अगवा किया है उन्हें सुरक्षित छोड़ाना है। लिहाजा मोसाद ने बहुत सोच विचार कर एक्शन प्लान तैयार किया है जो दो लेवल पर काम करेगा। पहला, हमले की तादाद और बढ़ाई जाएगी और इसके लिए मोसाद की सलाह पर प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 1,00,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। दूसरा, गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी का प्लान है। तीसरा, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल ने प्लान 5 तैयार किया है। चौथा, खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा बलों ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए टीम तैयार की है। मोसाद के इस प्लान के एक्शन में आए बिना कयास लगाकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हम आपको आगे बताएंगे कि मोसाद इसराइल को हमले से बचा पाने में नाकाम रहा है, लेकिन ये मोसाद ही है जिसने दुनिया में खुफिया एजेंसियों के स्ट्रेंथ, उसकी तेजी का नया इतिहास लिखा है। लिहाजा ये मोसाद कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। $3 बिलियन के वार्षिक बजट और 7,000 अनुभवी कर्मचारियों के साथ मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना की डिटेल किसी के पास नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उन्हें उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों की जानकारी देता है। अपनी स्थापना के बाद मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के लिए मोसाद कई तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे तरीके। मोसाद ने अन्य देशों से खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इसराइल का साथ देने से बचते हैं। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इसराइली लोगों के खिलाफ आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल है। मोसाद ने उन देशों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो इसराइल के खिलाफ खतरा है। सवाल ये उठता है कि मोसाद के इतने बड़े जासूसी नेटवर्क के बावजूद कैसे हमास ने गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल इकट्ठा कर लिए और उससे हमला भी इसराइल पर कर दिया। आखिर इसराइल की अभेद लोहे की दीवार में छेद कैसे हमास की तरफ से कर दिया। आगे आपको मोसाद के कुछ बहुत बड़े और दुनिया को चौंका देने वाले ऑपरेशन की डिटेल भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ उस सवाल को बार बार समझना होगा कि हमले का पैमाना, जिस जटिलता के साथ इसे अंजाम दिया गया और इसके लिए जिस कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और महीनों की योजना की जरूरत रही होगी। लेकिन इन महीनों में हमास के अटैक के प्लान की जानकारी जुटा पाने में मोसाद फेल हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का आकलन करने में विफल रही है। इसके बाद मोसाद ने जो ऑपरेशन अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट देखकर नहीं लगता कि अब की बार भी इसराइल को बचाने में मोसाद को फेल होना चाहिए था। नवंबर 2020 ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के टॉप साइंटिस्ट ब्रिगेडियर जनरल मोहसेन फखरी जादेह की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने इसकी खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया के सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1976 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाया था। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई, ये बात दीगर है कि अब की बार मोसाद फेल हो गए। 1972 रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के आतंकियों ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास के हमले की भनक मोसाद जैसी जासूसी एजेंसी को कैसे नहीं लगी। मोसाद का एक और बड़ा और सफल ऑपरेशन देखिए, 1960 में रूसी MiG-21 को इसराइल लाना। 1960 मोसाद में अर्जेंटीना में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एक्मैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इसराइल ले आए।
बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। मोसाद ने अपने शुरुआती दिनों में आसान देशों से यहूदियों को इजराइल में लाने का काम किया। इथियोपिया से हजारों की संख्या में यहूदियों को इजराइल लाया गया, लेकिन अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बंधक बनाए गए 130 इजरायली नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाए। मोसाद एक्शन में है और अपनी भूल सुधारने के लिए उसके टॉप एजेंट सुपर एक्टिव मोड में है। जबरदस्त टैलेंट, उन्नत तकनीक और लगातार बदलता क्षेत्र, एक ऐसी खुफिया प्रणाली जिसके कुछ हजार लड़ाकों से बने आतंकवादी संगठन के खिलाफ विफल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, लिहाजा बारी मोसाद की है।